हमारे पास जो पता है नहीं, मैंने तो क्लास नहीं ली सर आपकी लास्ट। देखिए ना, सबसे पहला स्टेप आप देखें तो ये आपके पास एक फाइनल स्टेट है, तो बिल्कुल एक फाइनल स्टेट है। अगर आप यहाँ देखें इनिशियली फर्स्ट स्टेट के ऊपर, तो ये ठीक है आपकी जो है ना इनिशियल स्टेट है, मगर इस स्टेट के ऊपर ना लूप लगा हुआ है। स्टेट के ऊपर लूप लगा हुआ है तो बेसिकली इसका मतलब है कि ये मल्टीपल जो है ना वर्ड्स के लिए जब यहाँ रेपिटेशन होगी तो यही उनके लिए इनिशियल स्टेट भी है। तो हमने इनिशियल स्टेट को उससे अलग करना है, सेपरेट करना है। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है यही के आप जो है ना इससे पहले एक स्टेट इंट्रोड्यूस करवाओगे जो आपकी इनिशियल स्टेट होगी, और यानी कि आपकी इनिशियल और आपकी फाइनल स्टेट के ऊपर लूप भी नहीं होने चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने बात की थी पहले के इनिशियल और फाइनल स्टेट्स आपकी सेपरेट सेपरेट होती हैं। हमने ये फाइनल स्टेट देखे, स्टेट नंबर 3, ये हमारी ऑलरेडी सेपरेटेड थी। हमारे पास 1 के ऊपर लूप था और 1 हमारी आप देख सकते हैं क्वेश्चन के अंदर ये हमारी इनिशियल स्टेट थी। हमने क्या किया, इसको नॉन इनिशियल स्टेट बनाया और उससे पहले एक स्टेट को इंट्रोड्यूस करवाया जो हमारी इनिशियल स्टेट है। खुद से हमने स्टेट को इंट्रोड्यूस करवाया तो हमने यहाँ पर बताना है कि अगर यहाँ पर एप्सिलॉन आ जाए या यहाँ पर ये नल ट्रांजिशन आ जाए तो हम लोग 1 पे जाएंगे। होगा क्या इससे कि 1 हमारा एक इनिशियल स्टेट बन गया जिसके ऊपर ना कोई लूप है और ना जो है ना किस तरह का कोई एज इस इनिशियल स्टेट के ऊपर आ रहा है। ठीक है, ये हमने सबसे पहले स्टेप पे कर लिया। ठीक है, आपको पता है कि हमने अल्टीमेटली फिर करना क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप हमने अपनी स्टेट्स को इलिमिनेट करना होता है, स्टेट्स को इलिमिनेट करना होता है। तो ये हमारे पास एक सिचुएशन है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे हम लोग एक एक करके स्टेट को हटाते हैं। यहाँ पर आप लोगों को आइडिया हो रहा होगा कि आप लोग किसी भी स्टेट को पहले हटा सकते हो इस क्वेश्चन के अंदर। एक माइंड में बात के आप लोग रख लो कि जहां पर लूप जो है ना लगा हो ना, जिस स्टेट के ऊपर लूप आ रहा हो, कोशिश करें कि पहले उसको थोड़ा अगर सिंप्लीफाई कर सकें, कोशिश करें कि पहले अगर उस स्टेट को हटा के जो है ना थोड़ी सी अपनी डायग्राम को सिंप्लीफाई कर सकें तो वो ज्यादा बेहतर है। वो लूप हटा के जो आपके पास सोल्यूशन बन रहा होगा वो अल्टीमेटली आपको एक बेहतर सोल्यूशन की तरफ लेके जाएगा। तो अब अगर हम लेट्स सपोज स्टेट नंबर 1 को हटाते हैं, ठीक है, तो क्या ख्याल है आपका, आपका 0 वाला स्टेट 2 से कनेक्ट हो जाएगा। तो इस स्टेट के ऊपर, इस एच के ऊपर क्या ख्याल है, क्या हमारे पास बन सकता है? सर, ए प्लस बी का स्टेरिक, ए प्लस बी होल का स्टेरिक फिर डबल ए। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि देखें आपने अब 0 से 2 पे जाना है तो आपके पास ये पाथ है ना 0 से होते हुए, यानी कि पहले नल ट्रांजिशन हो फिर ए या बी आए और उसके बाद डबल ए आए, तो ये इसको शो करने की जरूरत तो है नहीं। ये नल ट्रांजिशन को ए तो कॉमा भी इसमें है, हमारा दैट ए प्लस बी होल स्टेरिक डबल है। ए प्लस बी आएगा। आप चाहो तो अपने आंसर को मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए इसके बाद जो है ना दोबारा ये डायग्राम बना के ए प्लस बी लिख दो और उसके बाद ये स्टेप करो या डायरेक्ट कर लो, आपकी मर्जी है। आपने ए प्लस बी लिखा होल स्टेरिक से, क्योंकि लूप कई बार भी चल सकता है, जैसे डबल ए आया तो 2 पे चले गए। तो कुछ देखें यही सोल्यूशन यहाँ सर बना हुआ है। 1 मिनट, एक चीज पूछनी जी जी है। ये एक्सप्लेनेशन भी लिखनी है सारी इंग्लिश वाली हाँ जी, या नहीं? फिर असाइनमेंट में तो फिलहाल सर लिखनी है, नहीं लिखें असाइनमेंट में लिखनी है, तो सर आप इससे इतनी होगा जल्दी ना। मूव कर रहे हैं कर्सर को, तो फिर हम कैसे करेंगे लिखें इतनी जल्दी जल्दी? नहीं, ये वर्डिंग ना लिखे ना आप, अपने आपने जो स्टेप यहाँ किया है, ये जो आपने एक्सप्लेन किया, आप उसको अपनी जो है इंग्लिश में लिखो बस। ठीक हो गया। एग्जैक्ट ये वर्ड्स तो नहीं चाहिए, बिल्कुल ऐसा नहीं कि वर्ड्स चाहिए। उसके बाद अच्छा, अब ये हमारे पास जो है ना सिचुएशन बन गई। ठीक है, ये हमारे पास सिचुएशन बन गई। अब हम आप देख सकते हो कि हमारा टारगेट ये होता है कि इनिशियल और फाइनल के बीच की तमाम स्टेट्स को एक एक करके रिमूव करें। 0 इनिशियल है, 3 फाइनल है, तो स्टेट नंबर 2 को ही हटाना होगा। यस सर, स्टेट 2 को हटाएंगे तो हमारे पास ए प्लस बी होल का स्टेरिक डबल ए और बी आ जाएगा।
बिल्कुल, उसके बाद इसके साथ भी कंकैटिनेट हो जाएगा तो आप फाइनल अच्छा पे चले अगर मैं जाओगे। किसी को डायरेक्ट बताऊँ कि रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, जैसे मैंने इसको क्वेश्चन को देखते साथ मुझे पता चल गया, तो मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ मतलब इतने स्टेप्स के बगैर। इसमें क्योंकि ये स्टेट इलिमिनेशन मेथड है ना, स्टेट इलिमिनेशन, तो आपने स्टेट्स को इलिमिनेट करते करते आना, स्टेट्स को इलिमिनेट करते करते आना, तो इसलिए जो है ना ये ऐसे इन्होंने कहा। अब आपने देखें एक्चुअली स्टेट नंबर टू हटा के आपने एक पाथ बनाना है जो पहले जीरो से टू और टू से थ्री पे था ना, अब आपने जीरो से थ्री एक पाथ डिफाइन करना है। ये आप अगर आप बात जेन में रखोगे तो हर तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर जाओगे। आपका मकसद वो पाथ डिफाइन करना है, आपका पर्पस वो जो है ना पूरा पूरा पाथ उसके ऊपर जो एक्सप्रेशन जनरेट हो रहे हैं वो डिफाइन करना आपका पर्पस है, तो इससे आपने सोल्यूशन की तरफ आ जाओगे। आप देखो आप अगर ए प्लस बी होल स्टेरिक और डबल ए लेकर आते हो सिर्फ, तो आप जीरो से थ्री तक नहीं जा सकते, क्योंकि जीरो से थ्री पे जाने के लिए डबल ए के बाद आपका एक बी आना जरूरी है, तो आप थ्री पे पहुंच जाओगे। जैसे हमने ये काम किया, ये देखेंगे हमारे पास इसका कुछ सोल्यूशन टाइप बन गया कि ये हमारे पास जी एक्सप्रेशन जनरेट हो रहा है, और आप देख सकते हो कि आपके पास कोई लूप यहाँ लगा हुआ है और कोई जो है ना स्टेट भी मौजूद नहीं है इनिशियल और फाइनल के बीच में, तो ये जो लिखा हुआ है इसके ऊपर आप बता दोगे कि ये आपका रिक्वायर्ड रेगुलर एक्सप्रेशन है जिसके लिए हम ये तमाम के तमाम स्टेप्स परफॉर्म कर रहे थे। क्लास यहाँ तक कोई मसला किसी को, कोई डाउट यहाँ तक? ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग जल्दी से ड्रॉ कर लो, प्रॉब्लम नंबर टू, फिर इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, इसमें भी आप लोग देख सकते हो कि आपके पास इनिशियल स्टेट है, आपके पास फाइनल स्टेट है। आपने सबसे पहले ये देखना होता है ना कि आपके पास इनिशियल और फाइनल स्टेट्स के ऊपर जो है ना कोई लूप वगैरह तो मौजूद नहीं है, या इनिशियल फाइनल कोई इकट्ठी स्टेट्स तो नहीं है, तो ये आप देख सकते हो कि आपके पास इनिशियल स्टेट के ऊपर कोई लूप मौजूद नहीं है, मगर फाइनल स्टेट के ऊपर। देखिए इसका मतलब क्या होता है कि जब आपके पास आप टू से फोर पे आओगे ए जनरेट करके तो वो आपकी फाइनल स्टेट होगी, या फिर डबल बी के बाद डबल ए जनरेट करके फाइनल पे आओगे तो वो आपकी फाइनल स्टेट होगी, मगर ये इसके अलावा मजीद वर्ड्स के लिए भी फाइनल स्टेट होगी। ठीक है, जैसे उसके बाद ए आ जाए या बी आ जाए, अब देखें एक बार आए, सौ बार आए, या ए और बी का कोई भी कॉम्बिनेशन आए, तो वो उन तमाम के लिए ये स्टेट होगी। आपने इस चीज से बचना है तो क्या करेंगे, ये हमारे पास जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, हम अपनी फाइनल स्टेट को सेपरेट कर देंगे। अब फोर हमारी फाइनल स्टेट नहीं है, फोर पे आके लूप भी चलता रहे, उसके बाद जैसे ही आपके पास नल ट्रांजिशन होगी तो आप स्टेट नंबर फाइव जो हमारे इस क्वेश्चन में हमारी फाइनल स्टेट है आप उस पर पहुंच जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप तो यहाँ पर जो बात देखने वाली है कि आप अगर क्वेश्चन के शुरू में ही ये काम नहीं करोगे तो इसका आपका ओवरऑल सोल्यूशन के ऊपर काफी इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज का जरा ख्याल रखना है। ये छोटी एग्जांपल्स में शायद हमें इतना नजर ना आ रहा हो, जैसे अभी इन्होंने भी बात की कि सर हमें डायरेक्ट क्वेश्चन देख के रेगुलर एक्सप्रेशन समझ आ रहा है, तो बिल्कुल ये पॉसिबल है जो सिंप्लीफाइड एग्जाम्पल्स है उसमें ये हो जाए, लेकिन अगर आपने ये छोटा सा स्टेप मिस किया बड़ी एग्जाम्पल्स के अंदर तो वहां पर इसका बहुत इम्पैक्ट होगा। इस चीज का जरा आप लोगों ने ख्याल रखना है। ये सिंपल सा स्टेप परफॉर्म करने के बाद आपने देखा कि मजीद कोई सिंप्लीफिकेशन तो नहीं रिक्वायर्ड आपको इस जो है ना क्वेश्चन के अंदर,
जब आपको अंदाजा हो जाए कि नहीं, अब देखें ये आपकी इनिशियल है, ये आपकी फाइनल स्टेट है, आपका अल्टीमेट टारगेट ये है कि आपने 1 से 5 के लिए एक पाथ डिफाइन करना है, ठीक है। तो क्या ख्याल है, पहले अगर हम लोग 1 से 4 के लिए एक रास्ता डिफाइन करें, देखें एक रास्ता 1 से 4 के लिए कहाँ जा रहा है, 1 to 4 दो रास्ते, 1 to 4, 1 3 4, ए बी ए, डबल बी डबल ए, और दूसरा रास्ता, हाँ और दूसरा देखिए दूसरा रास्ता 1 3 4। अच्छा एक और चीज, इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर ना हर स्टेप के ऊपर आप अलग अलग टाइम लगाओ, उसकी वजह ये है कि अगर आप किसी एक स्टेप के अंदर कोई एक ट्रांजिशन मिस कर जाते हो तो आपका ओवरऑल जो रेगुलर एक्सप्रेशन निकलेगा वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, आप किसी और डायरेक्शन में चले जाओ। इसलिए हर स्टेप के ऊपर सेपरेटली आप जो है तसल्ली से टाइम लगाओ। अब देखो 1 2 3 और 1 3 4 दो पाथ होंगे, और आप क्योंकि अब काफी क्वेश्चंस कर चुके हो तो आप यहीं पर सोच सकते हो कि हमारा टारगेट क्या है कि 1 2 4 निकाल के और 1 3 4 निकाल के हम अल्टीमेटली इन दोनों को भी कंबाइन कर देंगे, अल्टीमेटली इनको भी कंबाइन कर देंगे और हमारे पास फिर 1 से 4 के लिए एक जो है ना पाथ डिफाइन हो जाएगा। मैं हम डायरेक्ट ये नहीं करेंगे लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने अब जो है ना क्वेश्चंस देख के इस तरह से सोचना है कि हमने अल्टीमेटली पाथ कहाँ से निकालना है, ठीक है। तो जैसे इन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा ही है कि 1 से अगर आप 1 2 4 लेके आते हो तो क्या ख्याल है, ए बी और उसके बाद अगर ए आ जाए तो 1 से 4 पे चले गए 1 2 4 यानी के, और 1 3 4 की बात करें तो डबल बी और उसके बाद डबल ए आ गया तो आप 4 पे चले गए। कुछ ऐसी चीज आपने यहां देख ली, ए बी ए से यहां चले गए और डबल बी डबल ए से भी यहां चले गए। मैं दूसरा वाला स्टेप भी सामने रखता हूं, ये दोनों आपके सामने हैं, हमने यहां से ये बना लिया। इसको गौर से देखें, कोई डाउट इसमें तो मोस्ट वेलकम पूछ सकते हैं। इसको ड्रॉ भी कर लें साथ, इसको गौर से देखें। ठीक है क्लास, ये चीज हो गई यहां तक, फिर आप लोगों ने एक रूल पढ़ा होगा कि जिनकी सोर्स और डेस्टिनेशन सेम हो, जैसे 1 से 4 तक देखें आपके पास 1 से 4 तक 2 paths हैं, यानी कि 1 से 2 जिस ओरिजिनेट हो रहे हैं और दोनों के डेस्टिनेशन आपकी स्टेट नंबर 4 है, सोर्स भी सेम और डेस्टिनेशन भी सेम। तो क्या ख्याल है इनको अगर हम किस तरह से लिख सकते हैं, इन दोनों को सिर्फ एक ऐड से भी लिख सकते हैं, मतलब ए बी ए कोमा डबल बी डबल ए। सर ए बी सर इनको सम करके लिख सकते हैं डबल ए। दाऊद क्या कह रहे हो सर, इनको प्लस करके लिख देंगे ए बी ए प्लस डबल बी ए। आप देखो दोनों तरह कर सकते हो, अगर आप पहले कॉमा लगा के फिर प्लस लिखते हो उस तरह ठीक है, मतलब कॉमा से अल्टीमेट आंसर नहीं होगा। आप असल में क्या है कि कॉमा के बाद आपको करना क्या है कि दोनों को आपने प्लस से लगा देने कि आप आइदर दिस मतलब या ए बी ए जनरेट हो या ए बी ए जनरेट हो या डबल बी डबल ए जनरेट हो या डबल बी डबल ए जनरेट हो, तो आप 1 से 4 पे चले गए। एक और चीज जो स्टूडेंट्स कभी कभी यहाँ मिस्टेक कर जाते हैं वो ना ओवरऑल डायग्राम को इकट्ठे सॉल्व करना चाह रहे होते हैं कि लेफ्ट साइड ऑफ द डायग्राम हमने ये कर दिया, राइट पे हमने ये कर दिया, जिससे आंसर सारा गलत हो जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप एज रिमूव कर रहे हैं, स्टेट रिमूव करें, तो एक एक करके करें ताकि जो है ना आपका आंसर मिक्सअप ना हो, ठीक है। तो इस हमने प्लस लगा के यहाँ लिख दिया और हमारी देखें डायग्राम बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गई है, हमारी डायग्राम बड़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गई। हमने अब सिर्फ क्या करना है, हमने 1 से 5 पे पहुंचना है, ये हमारा टारगेट है, दैट्स इट। 1 से 5 के लिए आपको 1 से 4 पे आना होगा
वन से फोर, तो ये लिखा हुआ आपने एक्सप्रेशन, आपको नजर आया कि ओहो फोर पे तो लूप है, लूप चल भी सकता है लूप नहीं भी चल सकता, तो आप ये सारा एक्सप्रेशन और मेरा ख्याल है उसके बाद क्या कर देंगे, ए प्लस बी का स्टैटिक लेंगे सर, स्टैटिक आ जाएगा, बिल्कुल ये आपके पास जो है ना टॉप पे सॉल्यूशन बना हुआ है और आप लोगों को ये पता भी चल गया था, और ये हम फिर अलग से लिख देंगे कि ये हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन आ गई। क्लास कोई डाउट यहाँ तक? सर अगर हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सर, जी सर अगर हम लोग ऐसे करते ए बी ए फिर ए प्लस बी का स्टेरिक, ठीक है, फिर प्लस का साइन लगाते फिर डबल बी डबल ए प्लस बी का स्टेरिक, क्या वो एक्सप्रेशन गलत होती लाइक वन से फोर? वो भी ठीक होगा, वो भी ठीक होती ना, वो भी ठीक है क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना दोनों के साथ, या इसके साथ या इसके साथ, तो उस तरह भी लिख सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर थ्री आप लोग ड्रॉ करें। अच्छा जी, इसमें सबसे पहले आप लोग देख सकते हो हमें क्या करना है यहाँ पे ना, तो ये हमारे पास इनिशियल स्टेट है, एक टू हमारे पास एक इनिशियल स्टेट है, ठीक है, और हमारे पास फाइनल स्टेट या स्टेट्स कहाँ है, ये वन भी है और थ्री भी है, हमारे पास एक से ज्यादा फाइनल स्टेट्स हैं, बिल्कुल हैं। अच्छा, क्या हमारे पास इनिशियल स्टेट के ऊपर लूप है? तो हमारे पास लूप भी है, दैट मींस कि हमें इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के बाद सॉल्व करना स्टार्ट करना है। अभी ये डायरेक्टली सॉल्व नहीं हो सकता, हमें इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा, तो क्या ख्याल है आप लोगों का किस तरह से इसकी सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है? सर जैसे कि आपने बोला कि जो इनिशियल पॉइंट होता है उस पे साफ लूप नहीं होता, सबसे पहले तो हम इसका एक इनिशियल पॉइंट बनाएंगे, बिल्कुल, फिर उसके बाद सर लूप खत्म करेंगे, और फिर जिनके सेम पाथ है उनको मतलब उनको एक ही पाथ में लेके आएंगे, ठीक है। फिर बाद में एक चीज डाउट मिस कर रहे हो, एक चीज मिस कर रहे हो, देखो फाइनल स्टेट्स का जरा सोचो, कितनी फाइनल स्टेट्स हैं? दो फाइनल स्टेट है, इनमें से एक फाइनल स्टेट करेंगे, उसके लिए फाइनल स्टेट अलग से बनाएंगे और फिर बाद में इन दोनों को उसके साथ कंबाइन कर देंगे जैसे करके। जी सर, फाइव कर देंगे और इसको ट्रांजिशन ऊपर से प्लस की खत्म हो जाएगी, ये फिर हमारे पास नॉन इनिशियल हो जाएंगे, यानी कि ये प्लस हट जाएगा, प्लस भी यहाँ से हट जाएगा, ये माइनस भी यहाँ से हट जाएगा, ये एप्सिलॉन आ जाएगा। और एक छोटी सी बात, जैसे अब इसको स्टेट को आपको नंबर दे दोगे, इसको आपने जीरो दे दिया फॉर एग्जांपल, इसको आपने फाइव दे दिया, मतलब इस तरह से ये छोटी छोटी चीज़ें स्टेट्स के नंबर पे ज़रा सासा गौर करते रहिएगा, क्योंकि आपको ना जैसे मुझे यहाँ आइडिया हो गया कि ये ज़ीरो मेरी इनिशियल है और फाइव मेरी फाइनल है, तो मुझे असल में ज़ीरो से फाइव पे जाना होगा। क्या कि आप जब स्टेप बाय स्टेप जो है ना इसमें स्टेट्स को इलिमिनेट कर रहे होगे, तो
तो आपके लिए जो है ना सोल्यूशन निकालना जरा आसान हो जाएगा, आपके लिए सोल्यूशन समझना आसान हो जाएगा कि जो है ना मैं ठीक जा रहा हूँ कि नहीं। अच्छा अब देखियो तो एग्जैक्टली कुछ यही है, जीरो फिर जो है बाकी सब तो सेम है, ये आपने वन और थ्री था तो आपने यहाँ पर ये फाइनल स्टेट डिफाइन कर दी, ये आपने फाइनल स्टेट डिफाइन कर दी और सेकंड आपने फाइनल स्टेट डिफाइन कर दी, एक फाइनल आपके पास, एक आपके पास इनिशियल है, ये हमने डिस्कशन अभी सारी की है और स्टेट्स को मैंने नंबर भी दे दिए। नेक्स्ट स्टेप आपको पता है कि आपने देखना है कि डायग्राम आपकी सिंप्लीफाइड है कि नहीं है, ठीक है। आप एक स्टेप तो बड़ा क्लियर कट नजर आ रहा होगा कि आप वन को हटाओ और थ्री को हटाओ तो टू से फाइव पे चले जाओगे, टू वन फाइव और टू थ्री फाइव दोनों आपके पास अवेलेबल हैं, तो आप टू वन फाइव से खाली ए बी लिख दोगे ऊपर और टू थ्री फाइव से बी ए लिख दोगे, और अगर नेक्स्ट स्टेप पे इनको प्लस कर दो तो आपका काम हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा तरीका मैं आपको ये बताना चाह रहा था, ये करके कि आप मुख्तलिफ स्टेट्स को, मतलब ज़रूरी नहीं है कि अगर हम अभी सोल्यूशन कर रहे हैं हमने स्टेट नंबर टू हटाई है तो आपने भी स्टेट टू ही हटानी है तो आपका करेक्ट आंसर आएगा, बिल्कुल नहीं, आप कोई और स्टेट भी हटा सकते हो। हाँ यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा आप स्टेट नंबर फोर को डायरेक्ट नहीं हटा सकते, बस एक चीज़ देखनी है, स्टेट नंबर फोर डायरेक्ट नहीं हट सकता क्योंकि स्टेट नंबर फोर पे जाने के लिए आपको स्टेट नंबर टू से गुजरना है, ठीक है। तो ये चीज है, आप देखें मैंने टू और फाइव के बीच का क्यों आपस का किया कि वो सब आपस में कनेक्टेड थे, अब मैं फोर को अगर हटाता हूं तो किसको किससे हटा रहा हूं मैं ये नहीं बता पा रहा, अगर मैं कहता हूं कि मैं जीरो और फोर को हटा रहा हूं डायरेक्ट तो नहीं हो सकता क्योंकि जीरो और फोर आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो बस इस बात का ख्याल रखना, मैं जीरो से टू तक जा रहा हूँ और टू वाली स्टेट हटा रहा हूँ तो ठीक है, दैट मेक सेंस, लेकिन अगर मैं जीरो और फोर को हटा रहा हूँ तो वो नहीं हो पाएगा क्योंकि जीरो और फोर आपस में इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। तो आपने जिसको जिससे हटाना है उनका आपस में डायरेक्ट कनेक्शन भी होना जरूरी है, ठीक है। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये थी जो मैंने आपको ब्लू पेन से यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाई, ठीक है, तो होप आप लोगों ने अपने पास नोट भी कर ली होगी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर हम लोग स्टेट नंबर टू को हटाते हैं, स्टेट नंबर टू को हटाते हैं और मैं चाहूंगा कि जरा आप लोग इसको ध्यान से देखो क्योंकि टू से फाइव अगर स्टेट्स बीच की रिमूव करनी है तो वो बड़े आप आराम से किसकी है, असल जो चीज है अब वो के हटने से जो इफेक्ट आएगा ना इस ट्रांजिशन ग्राफ के ऊपर वो आप लोगों ने बहुत केयरफुली देखना है क्योंकि यही मोस्ट ट्रिकीएस्ट पार्ट है इस क्वेश्चन। तो अब आपने ख्याल किस चीज का रखना है, अब आप लोगों ने ख्याल किस चीज का रखना है ये जरा देख लें, स्टेट नंबर टू हटने से देखें क्या आपने इसको किस तरह से देखना है, स्टेट नंबर टू हट गई तो एक्चुअली आप जीरो से वन के लिए एक पाथ डिफाइन कर रहे हो, आपका पहला काम जो स्टेट हटा रहे हो उसके बाद उसके पाथ्स का ख्याल रखना है कि इसके ठीक है स्टेट नंबर टू तो हट गई, अब जीरो टू वन नहीं रहा, अब जीरो वन हो चुका है तो वो कैसे कनेक्ट है, अच्छा जीरो टू थ्री नहीं रहा तो जीरो से थ्री तक कैसे जा रहे हैं ये आप देखोगे, अच्छा अगर स्टेट नंबर टू हट जाएगी तो जीरो टू फोर और फिर टू ये काम कैसे हैंडल होगा, ये इनडायरेक्ट लूप कैसे हैंडल होगा, ठीक है। अच्छा देखा तो टू के ऊपर एक लूप भी है, वो लूप कैसे डील होगा, यानी कि ये तमाम चीजें आपने अपने पास नोट करने के बाद सॉल्यूशन पे जाना है, ये तमाम चीजें आपने नोट करने के बाद अपने नेक्स्ट सोल्यूशन पे जाना है, ठीक है। मैं आप लोगों को ये फाइल शेयर कर दूंगा तो मसलन ताकि आप लोग ये एक्सप्लेनेशन रीड कर लो, मेरा ख्याल है कि असाइनमेंट का फायदा भी हो जाएगा अगर आप लोग इनको रीड कर लोगे। एक बात मैं ये नहीं चाहूंगा कि आप लोग एज इट इज ये इंग्लिश सारी अपने सोल्यूशन
ऑप्शंस में लिखो, आप अपने अल्फाज में दो तीन जुमला लाइनों में जो है ना अपनी लिख दो, आसान से स्टेटमेंट लिख दो, लेकिन इन स्टेटमेंट्स को जरा पढ़ लेना ताकि हर तरह का क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो। अब क्या करना है, स्टेट नंबर टू हटने जा रहा है तो दैट मीन्स कि आप जीरो से वन वाला एज डिफाइन करो। जरा तसल्ली से देखो आप लोग, जीरो से वन के लिए क्या पाथ डिफाइन होगा, जीरो से वन के लिए a plus b होल का स्टैटिक, a plus b a b होल a b स्टैटिक, नहीं a b स्टैटिक नहीं, देखें आप देखो जीरो से वन पे जा रहे हैं, अगर जीरो से वन पे जा रहे हैं तो हमारा पाथ तो सिर्फ नल है ना। जीरो देखें, ये जीरो है, ये टू है, ये वन है, आप जीरो टू वन जा रहे हो, मार्कर लगाया हुआ ना, समझ नहीं आया वन लगा, अगर जीरो से वन पे जाना तो ए प्लस बी होल स्टैटिक और ए बी, जी सर आपका हो जाएगा से जीरो से वन के लिए। ठीक है, तो मैं आपको एक मिनट दिखा भी देता हूँ, ये हम जीरो से वन के लिए ये लिख दिया हमने। ठीक है, अभी हमारा आंसर कंप्लीट नहीं है, हम इसके बाद अपनी ये जीरो फिर टू था, तो क्या ख्याल है जीरो टू, जीरो टू थ्री इसके लिए क्या हो सकता है, ए प्लस बी होल स्टैटिक बी ए, ए प्लस बी होल स्टैटिक बी ए, बिल्कुल वही चीज है, जीरो को थ्री से कनेक्ट कर देगी। मैं दोबारा आपको डायग्राम एक और इशू है, हाँ जी सर, हमारे पास जीरो से वन पे जाने का एक और रास्ता भी है, वो ये है कि अगर हम लाइक ए प्लस बी या बी ए ए प्लस बी होल स्टैटिक ए बी फिर जाता है, ये दूसरा रास्ता भी है वन पे जाने का, और ऐसे ही थ्री पर जाने का भी दूसरा रास्ता है कि बी ए बी आए। नहीं देखो वो है, लेकिन अभी हम उसके लिए फोर पे पहले फोर डिफाइन करेंगे ना, उसके बाद वो होगा। अभी हमने फोर पे मतलब हमने जीरो से फोर के लिए पाथ डिफाइन अभी नहीं किया ना, यस वहां पे भी दो तीन चीजें और आएंगी, अभी इसके बाद वो देखते हैं। पहले देखो सिंपल डायरेक्ट जीरो से थ्री के लिए, तो मैं आपको डायग्राम में भी दिखा देता हूँ, ये देखिएगा जीरो से वन मैंने आपसे पूछा था, फिर मैंने आप लोगों ने मुझे ये भी बता दिया। अब हम मजीद चलते हैं कि इसमें और क्या जो है ना बातें, इसमें मजीद और क्या बातें। अब देखिएगा, अब हमने जाना है टू को हटा के फोर पे, यानी कि फोर तक जाना है। अब ये जो है ना असल वो टेस्ट है, उसमें जैसे इन्होंने पाथ की जो बात की, इसमें वाला पाथ से फोर पे कैसे, हाँ फोर पे कैसे जा सकते हैं, तो जीरो से फोर तक जाना है अगर आपको, तो आप जीरो से गए वहां पे लूप, जीरो से टू पे गए वहां आपने लूप फेस किया, और लूप फेस करने के बाद आपने सिर्फ एक बी निकाला, तो आप चले गए फोर तक। इस बात से एग्री करते ना आप लोग, जीरो से फोर वापसी की बात नहीं की मैंने, अभी मैंने वापसी की बात नहीं की, लेकिन जीरो से फोर तक हम ऐसे जा सकते हैं कि जीरो से टू पे गए लूप, और फिर उसके बाद फोर सॉरी बी निकाला तो फोर पे आ गए। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, जीरो से फोर के लिए ये सिंपल सा आपने पाथ डिफाइन कर दिया, ये सिंपल आपने एक पाथ डिफाइन कर दिया। ठीक है क्लास, कोई डाउट यहां तक, अब हमारे पास एक और प्रॉब्लम ये है कि आप स्टेट नंबर टू तो हटाने जा रहे हो, आप फोर से वापस टू पे भी तो आ सकते थे, आप फोर से वापस टू पे भी तो आ सकते थे, लेकिन एक चीज अगर हम गौर करें, एक चीज
मैं एक मिनट डायग्राम आपको दोबारा ओपन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को इसमें इशू ना हो, क्योंकि काफी गिचमिच वाली डायग्राम बन गई. ये डायग्राम थी ना, ये देखें, हमने जीरो से वन भी कर दिया, जीरो से थ्री भी कर दिया था, और जीरो से फोर भी कर दिया. ये तीन पाथ हम बड़े आराम से बना चुके हैं. अब प्रॉब्लम ये है कि हम अगर देखें तो फोर से वापस एक एच टू की तरफ भी आ रहा है. दैट मींस के हम जिस स्टेट को रिमूव करने जा रहे हैं, हम जिस स्टेट को रिमूव करने जा रहे हैं, उस स्टेट में एक इनकमिंग एज भी है. ये उस स्टेट में एक इनकमिंग एज है. तो इसका रूल ये होता है कि अगर आप जिस स्टेट को हटा रहे हैं उसमें कोई स्टेट, उसमें कोई एज आ रहा है, स्टेट नंबर टू हटा रहे हो और स्टेट नंबर टू में एक एज आ रहा है, तो वो जहां से ओरिजिनेट कर रहे हैं ना, क्लास के बाद ध्यान से सुनिएगा, स्टेट नंबर टू हटा रहे हो, स्टेट नंबर टू में एक एज आ रहा है जो स्टेट नंबर फोर से आ रहा है, तो आप क्योंकि टू को रिमूव करने जा रहे हो, तो स्टेट नंबर टू में एज जिस स्टेट से आ रहा है ना, उस स्टेट के ऊपर लूप लगाओगे, यानी कि फोर के ऊपर आप लूप लगाओगे. क्या मतलब, देखिएगा, आपके पास ये पॉसिबिलिटी है ना कि आपके पास ए आए, फिर उसके बाद आप लूप फेस करो और उसके बाद एक बी आ जाए. क्या ख्याल है क्लास? ये बात अगर आपको समझ आएगी तो ऑलमोस्ट इसका सलूशन आ जाएगा. सर, ए बी ए का लूप लग जाएगा ना? एक बनी बी ए का कैसे? देखो पहले देखो जीरो से, हमजा ये देखिएगा, जीरो से आप फोर पे जो आए थे, ठीक है, वो आपने ये कहा था ना कि सर ए प्लस बी होल स्टेरिक फिर बी आ गया. यस सर. हाँ, अब देखें, अब स्टेट नंबर टू हट रही है ना, तो इसमें एक एज आ रहा है. देखें ये इसकी तरफ एक एज आ रहा है, तो आप ये ज़हन में रख लो कि अगर एक स्टेट में एज आ रहा है जिसको हटाना है, तो वो जहां से ओरिजिनेट करे ना, उस वहां पे लूप लगा दोगे, यानी कि स्टेट नंबर फोर पे एक लूप लगेगा. अच्छा, वो लूप क्या होगा? आप देख सकते हो ना कि ये एक इनडायरेक्ट लूप है, यानी कि फोर से टू पे गए, टू से फोर पे आए, टू से फिर वापस टू, फिर फोर, इनके बीच में इनडायरेक्ट एक एज, इनडायरेक्ट लूप मौजूद है ना. यस सर. ठीक है, अब देखो ये शुरू कैसे हो रहा है. ए आया, इसके बाद टू पे लूप भी तो है ना, और उसके बाद अगर आप वापस फोर पे आना चाहते हो, फिर बी आ जाए, तो क्या बन गया? ए ए प्लस बी और दोबारा से सेल्फ लूप लग जाएगा, दोबारा से बी आके फोर पे, ठीक है, इस लूप के ऊपर लिख दोगे. यहां आपको मुंडा वाली एक बात याद आएगी कि सर हम थ्री पे भी जा सकते हैं, फोर पे भी जा सकते हैं. तो बिल्कुल, आप देखें अभी हमने क्या किया, हमने फोर से निकल के वापस फोर में आए हैं, लेकिन ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है कि आप फोर से निकल के वन पे चले गए या फोर से निकल के थ्री में चले गए. पाथ तो मौजूद है ना. yes, क्लास बात समझ आ रही है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. पहले मैंने लूप वाला पाथ बनाया, यानी कि ए जनरेट किया, फिर ए प्लस बी होल स्क्वायर जनरेट किया, फिर मैंने बी जनरेट किया, तो मैं फोर पे आ गया. मैं आपको दिखा देता हूं ये लूप हम ये भी बना चुके हैं, हम ये भी बना चुके हैं, हम ये भी बना चुके हैं, और अभी अभी हमने ये लूप जनरेट किया, ये ए ए प्लस बी होल स्टेरिक. अब वापस ऊपर आते हैं, ऑलमोस्ट हमारा आंसर आ चुका है.
अब मेरा ख्याल है आप अगर मैं कहूँ कि फोर से वन पे जाना है, यानी कि फोर फिर टू फिर वन, तो क्या ख्याल है आपका, क्या एक्सप्रेशन आप बताओगे फोर से वन के लिए? a a plus b whole static a b, that's it. ये आपका बन गया फोर से वन के लिए. और फोर से थ्री के लिए क्या बनेगा? a a plus b whole static b a. जो इन्होंने ये दो पांच बताए हैं, ये देखें, जीरो से थ्री को, हाँ फोर से थ्री के लिए ये इन्होंने बताया, और जीरो से आप जा सकते थे वन पे भी जा सकते थे, तो जीरो से सॉरी फोर से वन पे भी जा सकते थे, तो फोर से आप वन पे भी चले गए. सर जी जी सर, फोर से ए पे जाते हुए ए भी क्यों है? फोर से कहाँ पे जाते हुए? सर इसमें डायग्राम दिखाइएगा मुझे ऊपर वाली, मैं एक मिनट दिखाता हूँ. सर क्या कह रहे हो आप? सर मैं कह रहा हूँ फोर पे वन पे जाते हुए ए बी क्यों आया साथ, बी आना चाहिए था ना फोर से वन पे जाते हुए. यस सर, ये देखिए ना, इसके बाद ए बी है ना, फोर से ए बी है ना आगे. ये शुरू वाला ए, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर, और ये ए बी. सर एक इशू है इसमें, सर एक मिनट डायग्राम बनाने दे, ये वाली बनाए बनाए जी मुंता आप. इसका एक इशू है ना ये भी. अब सर अगर हमने फोर से वन पे जाना है ना, ये बोला ना आपने जी, अगर हमने जीरो से वन पे जाना है ठीक है, और उसमें हमने फोर की वे भी लेनी है लाइक जीरो टू फोर वन, तो फिर ये तो एक्सप्रेशन नहीं बनता. फिर तो इसका एक्सप्रेशन बनेगा ए प्लस बी होल स्टैरिक बी ए, उसके बाद फिर लाइक ए प्लस बी होल स्टैरिक आ सकता है. ये तो फिर लूप की वजह से कंफ्यूज नहीं हो जाएगा? लाइक अगर आप देखें हम जीरो से वन पर डायरेक्ट जाते हैं, जीरो टू वन लेके जाते हैं, अगर हम जीरो अगर हम वन पे जीरो टू फोर वन जाते हैं फिर. मैं बताता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है. मैं अभी आपको ना जो डायग्राम में बना रहे हैं ना हम लोग, इसका सोल्यूशन यानी कि नेक्स्ट, उसमें दिखाता हूँ कि जीरो से वन पे जीरो टू फोर वन कैसे जाएंगे, ये कह रहे हो ना आप? यस सर मैं ये बोल रही हूँ. मैं बताता हूँ आपको, हमजा ये बना लेना फिर, हमजा बना के बताइएगा फिर नेक्स्ट करते हैं. हमजा स्क्रीन शॉट ले लो. बना ली है. अच्छा, और आई होप कि आप जो बाकी खामोश आत्माएं वो भी बना रहे होंगे. ठीक है, अब देखिए उन्होंने कहा जीरो टू फोर वन, ये कैसे होगा? देखिएगा जीरो टू फोर यानी कि पहले आप जीरो से फोर पे आओगे, फिर फोर से कहाँ जाना है? वन पे. तो आपको जीरो से फोर पे नहीं आएंगे, नहीं जीरो टू फोर फिर वन करना है ना. सर एक मिनट डायग्राम देखे ना आप, ये तो कंफ्यूज कर रहा है. अब यहाँ देखें जीरो से फोर का तो कोई है ही नहीं लिंक, पहले जीरो से वो टू पर जाएगा ना. देखो टू तो खत्म हो गया ना, टू तो रिमूव कर रहे हैं ना. टू रिमूव होकर कहा, मतलब मेरी बात नहीं समझ रहे सर आप. मैं बोल गई हूँ कि अभी रिमूव नहीं किया मैंने. अच्छा. रिमूव नहीं किया तो जीरो से फोर का तो कोई लिंक ही नहीं है. अच्छा ये देखो, अब ये देखो लिंक ये है ना, आप जीरो से टू पे जाते हो. यस. फिर ये टू से ये नीचे बी आने पे फोर आना. यस. फिर वापस ए लाने पे टू आता है, फिर स्टार ये ए प्लस बी भी आ सकता है. फिर ये भी तो वे है ना एक वन है यही. ये देखो अब आपने ये पाथ डिफाइन कर दिया वो इस तरह से, अब जरूरी है कि ये पूरा पूरा जो पाथ है आप डायरेक्टली एक एज पे लेके आओ एक ही स्टेप के अंदर. आप जो चाह रहे हो ये कि जीरो से वन पे जाना, वो तब हो पाएगा जब हमारे पास इसके लिए एक रेगुलर एक्सप्रेशन मौजूद होगा. अभी जो है ना हमने तमाम पॉसिबल पाथ्स डिफाइन करने हैं, ये बात ध्यान से सुनिएगा.
तमाम पॉसिबल पाथ्स डिफाइन करने उस स्टेट के लिए जिस स्टेट को हटाने चाह रहे हो। हरगिज ऐसा नहीं है कि इस स्टेट इस स्टेप के बाद आपका आंसर आ गया, ऐसा नहीं है। आपको मजीद भी स्टेप सिंप्लीफाई करने के लिए लिखने हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ कि आप अभी किस स्टेट को हटा रहे हो, स्टेट नंबर टू को, तो आपने स्टेट नंबर टू के हटने से जो जो पाथ्स अफेक्ट हो रहे हैं, स्टेट नंबर टू के हटने से जो जो पाथ्स अफेक्ट हो रहे हैं, आपने उन पाथ्स को रीडिफाइन करना है। उसके बाद जो अल्टीमेट टारगेट है जो आप पूछ रहे हो, अल्टीमेट टारगेट यही है कि 0241 वाले के लिए एक एक्सप्रेशन बन जाए, तो हमारा जो सोल्यूशन होगा उसमें एक्सप्रेशन मौजूद होगा जो हमें 0241 लेके जा रहा होगा, या 0242421 लेके जा रहा होगा। बात समझ आ रही है कि मतलब एक्सप्रेशन का तो मतलब ही यही है कि वो उन तमाम के लिए फिर बिल्कुल वैलिड हो। बात समझ आई आपको कि हम इस स्टेप के ऊपर टू के इनकमिंग, यानी कि देखें टू में ये फोर आ रहा था, सॉरी टू में ये ए आ रहा था फोर से, ठीक है, टू में ये जीरो से आ रहा था एक एज, एक सेल्फ लूप लगा हुआ था, और टू से आउट गोइंग एजेस कौन से थे, ये देखें फोर के लिए निकल रहा था, ये थ्री के लिए निकल रहा था, ये वन के लिए निकल रहा था, और एक लूप लगा हुआ था। आपने बस इन बातों को मद्देनजर रखते हुए इसके पार्ट्स डिफाइन कर देने। हाँ, जो आप बात कर रहे हो वो नेक्स्ट स्टेप पे फिर होगा। जो आप कह रहे हो कि 0241, फिर तो 0243 के लिए भी होना चाहिए, क्या ख्याल है? यस सर, ऑब्वियस है। फिर वो होगा नेक्स्ट स्टेप पे, ठीक है, फिर वो नेक्स्ट स्टेप पे होगा। मैं भी दिखाता हूं आपको, चीज क्लियर हो जाएगी। ये हमने ओवरऑल जो अपने जो डायग्राम थी उसको सिंप्लीफाई करके हमने लिख दिया। आप लोग बेशक इसे लिखना चाहते हैं तो जल्दी से लिख लें, फिर मैं नेक्स्ट स्टेप पे चलता हूं। ठीक हो गया, नेक्स्ट पे चलें। यस सर। अच्छा, अब नेक्स्ट देखें। अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास आपका, आप कहते हो कि मैंने ना फोर को हटाना है, आप कहते हो मैंने फोर को हटाना है, फोर को हटाना है। आप जीरो से वन के लिए पाथ वैसे का वैसे बिल्कुल ठीक है, जीरो से थ्री। अच्छा, इसको ना एक चीज मैं बता दूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो शॉर्टकट मेथड था ना, शॉर्टकट मेथड था जो मैंने आपको शुरू नहीं बताया था कि आप जो है ना, दिखाता हूँ आपको, जो मैं ये कह रहा था कि इनको कंबाइन कर दो, इनको कंबाइन कर दो, वो एक शॉर्टकट मेथड है और उसका सोल्यूशन इससे जल्दी निकालना था, लेकिन मैंने इंटेंशली आपको नहीं कराया, सिर्फ इसलिए कि जो इनडायरेक्ट लूप्स है ना आपको ये सिखाने के लिए, तो आप लोग अपनी लर्निंग के लिए वो पाथ अगर वो वाला सोल्यूशन बनाओ तो आपको अंदाजा होगा बड़ा शॉर्टकट है वो। लेकिन ये कि सर जो आपने पहले बताया था एग्जांपल में भी, हाँ जी, वो वाला जब उससे आप सॉल्व करोगे ना तो तीन चार स्टेप्स में आंसर आ जाएगा, लेकिन ये मैंने आपको खुद कराया कि बड़े बड़े एक्सप्रेशन को डील कैसे करना है आपको पता हो। देखिएगा, अब मैं फोर को हटा रहा हूँ, ठीक है, देखिए वन से फोर इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन फोर जिस जिस के रास्ते में आ रहा है, अब देखिए फोर अगर हट गया तो वन से, सॉरी जीरो से थ्री तो अफेक्ट नहीं होगा, जीरो से वन अफेक्ट नहीं होगा, लेकिन अफेक्ट क्या होगा, जीरो फोर वन था और जीरो फोर थ्री भी था, क्या ख्याल है क्लास? जीरो फिर फोर फिर वन, ये इफेक्ट हो रहा है, और फिर जीरो फोर और थ्री इफेक्ट हो रहा है, क्या ख्याल है? इसको जरा केयरफुली देखिए, जीरो फोर वन और जीरो फोर थ्री, वही बात आ गई कि जिस लूप जिस स्टेट को हटा रहे हो उसे आउट गोइंग एजेस देखो, इससे एक ये आउट गोइंग एज है, एक ये आउट गोइंग एज है, तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा? अब देखिए पूरा ये जो एक्सप्रेशन है ये कंकेटिनेट हो जाएगा, ये जीरो से फोर वाला
ये एज इट इज आ जाएगा, फिर ये लूप वाला स्टैटिक के साथ आ जाएगा और उसके आगे ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा, तो आप एक्चुअली जीरो से थ्री के साथ कनेक्ट हो जाओगे। आप फोर को जब हटाओगे तो जीरो से थ्री, जीरो से फोर तक जाने वाला एक्सप्रेशन एज इट इज, फोर पे लूप वाला स्टैटिक के साथ और फोर से थ्री वाला एज इट इज आ जाएगा। मैं आपको दिखा भी देता हूं, तो आपका जीरो से थ्री के लिए एक और पाथ हो जाएगा। ये ऊपर वाला पाथ तो रहेगा, ये अफेक्ट नहीं होगा क्योंकि हमने इसको नहीं छेड़ा। जीरो फोर थ्री वाला जो पाथ है, एक अल्टरनेटिव पाथ आ जाएगा। ये आप देख सकते हो, ये वाला सारा का सारा, ये जीरो से फोर तक था, फिर ये स्टैटिक वाला पार्ट फोर का लूप था और उसके बाद वाला फोर को थ्री से कनेक्ट कर रहा था, तो ये अब यहाँ कनेक्ट हो गए। बिल्कुल ऐसे ही जीरो से वन के लिए भी है, ठीक है। ये स्टैटिक वाला पार्ट आपके पास जो है ना फोर पे था, ये जीरो से फोर, और एंड वाला जो पार्ट है वो आपके फोर को वन से कनेक्ट कर रहा था। नेक्स्ट स्टेप पे आप इन दोनों को, क्योंकि सोर्स और डेस्टिनेशन सेम है, प्लस के साथ लिख दोगे बीच में प्लस डाल के। इसी तरह इन दोनों को भी आपस में प्लस डाल के इकट्ठा लिख दोगे, तो आपके पास जो है ना मजीद एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये आपके पास सिंप्लीफाई हो गया। अब आपने क्या करना है, जीरो से फाइव, तो जीरो से जीरो वन फाइव है और जीरो थ्री फाइव है, इन दोनों को प्लस के साथ लिख दोगे तो आपके पास एक मासूम सा एक्सप्रेशन आ जाएगा जो एक लाइन में पूरा भी नहीं आ रहा। ये एक्सप्रेशन आया और नेक्स्ट लाइन पे आप बता दोगे कि भाई आपका ये सोल्यूशन है, ठीक है। तो इस तरह से आपने स्टेट्स को इलिमिनेट करते करते एक छोटा सा एक्सप्रेशन उसमें कर लिया। बाद एंड पे वही करूंगा कि बड़े बड़े एक्सप्रेशन से घबराना नहीं है, क्योंकि जो है ना घबरा के आपको लगेगा कि अब आपसे कोई कहे डायरेक्ट ये एक्सप्रेशन जनरेट, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप जो है ना स्टेप बाय स्टेप आओ, और तमाम स्टेप्स जो मैंने आपको चैप्टर सिक्स के बिल्कुल शुरू में एक एक करके स्टेप्स सिखाए थे, वो तमाम स्टेप्स को फॉलो करते आओ, तो आप इसकी तरफ आ सकते हो। ठीक हो गया सर, थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा, एक मिनट रेगुलर एक्सप्रेशन दिखाएं। ये रेगुलर एक्सप्रेशन, ये बाकी लोग जो खामोश हैं, आई होप कि उनको भी कुछ समझ आ रहा हो। आपके सामने आप ही ने तो सॉल्व कर करके निकाले। इसका शॉर्टकट तरीका इसके बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। सर होल्ड किया, ये बिल्कुल ठीक होगा एक्सप्रेशन, रेगुलर एक्सप्रेशन बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, और दूसरा ये कि ये एक और शॉर्टकट मेथड है, ये भी उसी क्वेश्चन का शॉर्टकट मेथड है, ठीक है। तो अगर आप लोग इससे भी सॉल्व कर सकते हो, ये बड़ा आसान से आपको आराम से समझ आ जाएगा। ये आपने इनिशियल फाइनल अलग की, यहां से फिर आप लोग जरा खुद देख लीजिएगा, बहुत सिंपल सा तरीका है। इन्होंने क्या किया है, पहले जो है ना फोर को हटाया, आपने पहले टू को हटाया था ना, अब इन्होंने फोर को हटाया। हाँ बिल्कुल, फोर को पहले हटाया और उसका इफेक्ट कहाँ गया, और फिर ऑनवर्ड्स, ठीक है। ये आप लोग जरा देख लीजिएगा, ये आप लोगों के पास इसका शॉर्टकट मेथड भी मिल जाएगा। ये देख लें जरा प्रॉब्लम नंबर फोर, ये बहुत मुश्किल है।
कोई बात, दूसरा मैसेज इसमें दो फाइनल स्टेट है और एक इनिशियल है, दो फाइनल और दो फाइनल और एक सर। वो जो लास्ट में अभी हमने किया है ना, वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई है, क्योंकि मुझे उसका रेगुलर एक्सप्रेशन चेंज लग रहा है, बट ठीक है अगर बुक में तो फिर ठीक होगा। आप उसको एक बार रीड्रॉ कर लेना, लेकिन जो मेथड मैंने आप लोगों को कराया है वो आप सबके लिए तो इस तरह की सिचुएशन नॉर्मली डिफिकल्टी नहीं हो। यहाँ पे आप लोगों ने डायग्राम बना ली होगी या बना रहे होंगे, जैसे इन्होंने कहा आपके पास बिल्कुल दो फाइनल स्टेट्स हैं और आपके पास एक इनिशियल स्टेट है। सबसे पहला काम तो यही है कि आप इनको सेपरेट करो, ठीक है। तो इनकी सेपरेशन कैसे होगी? इनकी सेपरेशन ऐसे होगी, अगर आप इससे पहले एक जो है ना स्टेट डिफाइन करो और उसको कह दो कि ये आपके पास जो है ना जीरो स्टेट या इनिशियल स्टेट, ठीक है, और इसको इससे कनेक्ट कर दो, ठीक है। इसके बाद एक स्टेट और उसको कह दो फाइनल, ये खत्म और ये इनिशियल खत्म, लेकिन किसको किसके साथ वन एंड टू की स्टेट को लास्ट वाली स्टेट से कनेक्ट कर। हाँ, इसे केयरफुली, टू वाली स्टेट पे जो प्लस लिखा हुआ था उसको मैं बिल्कुल ऐसा ही है, मैंने स्टेट नंबर वन के ऊपर जो माइनस का साइन था इनिशियल का वो मैंने कट कर दिया और यहाँ लिख दिया, लेकिन स्टेट वन के ऊपर भी प्लस का साइन है। क्या ख्याल है आप लोगों का, स्टेट नंबर वन के फाइनल स्टेट का क्या मतलब है? स्टेट नंबर वन के ऊपर प्लस का क्या मतलब है? स्टेट वन पे प्लस का मतलब, इसका ये मतलब है कि नल भी आ सकता है, ये नल को भी एक्सेप्ट करता है, नल को भी एक्सेप्ट कर सकता है। दैट मींस कि आप विदाउट जनरेटिंग आप फाइनल स्टेट तक पहुंच सकते हो। यस, आप जीरो से वन पे कैसे पहुंचे हो, क्या जनरेट करके? नल जनरेट करके हम जीरो से वन पे पहुंचते हैं, यानी कि ये कुछ भी जनरेट ना करके हम या वन पे पहुंचे, और अगर हम कुछ भी ना जनरेट करके फाइनल तक इसे कनेक्ट कर, ये इसको यहाँ मैंने फिर प्लस साइन भी कट कर दिया। ये बजाय एक इंतहाई सिंपल सा आम सा स्टेप, मगर ये आपके पूरे सोल्यूशन को अफेक्ट कर देगा अगर आपने चीज नहीं की होगी, ठीक है। तो इस चीज को जरा देखिएगा, वन को हमने डिफाइन किया था एज अ क्वेश्चन में डिफाइन था एज अ फाइनल स्टेट एज वेल, तो आपने इस वन को आपकी खुद साख्ता फाइनल स्टेट के साथ आपने कुछ ना जनरेट करके कनेक्ट कर दिया, नल स्ट्रिंग जनरेट करके आपने फाइनल के साथ कनेक्ट कर दी। ये वन को फाइनल से कनेक्ट करना जरूरी है क्योंकि वन वॉज डिफाइंड एज द प्रीवियस फाइनल स्टेट, ठीक है, क्योंकि टू डिफाइन थी तो टू को इससे कनेक्ट किया, और वन डिफाइन थी तो वन को इससे कनेक्ट किया, और वन डिफाइन थी एज अ फाइनल स्टेट एज एन इनिशियल स्टेट एज वेल, तो उससे पहले आपने एक स्टेट बना दी। अब अगर इसका मैं सोल्यूशन आपको दिखाऊँ तो यही चीज है जो आप लोगों ने अभी बताई है मुझे, ये इसका सोल्यूशन है। सोल्यूशन मतलब आपने पहला स्टेप कर लिया, इसको गौर से देख लें, अपने पास ड्रॉ कर लें, कुछ पूछना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम पूछ सकते हैं। डायग्राम दिखाइएगा जो एक्चुअल है, ये एक्चुअल है, मतलब इसमें ये प्लस माइनस वगैरह काटे में बाकी सब वही है। ठीक हो गया, और उसके बाद ये वाली हमने इसको जरा सिंप्लीफाई करके इनिशियल फाइनल को बड़े एहतियात से सेपरेटली देखेंगे। ये जो वन
से थ्री वाला पार्ट में नल स्ट्रिंग के साथ ये बड़ा जरूरी है क्योंकि ये आपके ओवरऑल आंसर को बड़ा इफेक्ट करेगा, क्योंकि आपके ओवरऑल आंसर के अंदर नल स्ट्रिंग का आना पॉसिबल है। आपने पहले जो एक्सप्रेशन जनरेट किए आप लोगों ने देखा था कहीं पर भी इनिशियल फाइनल इकट्ठी नहीं हुई हुई थी, जब कहीं भी इनिशियल फाइनल इकट्ठी नहीं हुई हुई थी तो तो इसका मतलब था कहीं पर भी नल स्ट्रिंग जनरेट नहीं हो रहा था। यहाँ पे नल स्ट्रिंग का जनरेट होना बिल्कुल पॉसिबल है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ये पाथ लाजमी डेडिकेटेडली डिफाइन करेंगे। अब हमारे पास ये जो है ना सिचुएशन है, और छोटी सी बात आपने नोट की होगी कि ऊपर ए कॉमा बी लिखा हुआ था, हमने यहाँ ए प्लस बी लिख दिया। अब हम अगर स्टेट नंबर वन को हटाते हैं, ठीक है, देखेंगे वो जो बात हम लोग वैसे डिस्कस करते हैं ना, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, आप अगर स्टेट नंबर वन को हटाते हो तो आपके पास स्टेट नंबर वन से आउट गोइंग एजेस कौन कौन से हैं। अगर स्टेट नंबर वन को हटाते हो तो इसमें आउट गोइंग एज ये एक स्टेट नंबर टू की तरफ जा रहा है, और इसमें एक ही है, नहीं दो है, एक आउट गोइंग एज ये भी आपके पास है ना, ठीक है, यानी कि जीरो वन टू दो है, जीरो वन थ्री, ठीक है। आप लोग मतलब जब भी एक्सप्लेनेशन लिखोगे ना तो उसमें ये जरूर बस मेंशन कर देना कि भाई इसके आउटगोइंग एज कौन से हैं, इसमें इनकमिंग एज कौन से हैं। इसमें इनकमिंग एज भी आ रहा है लेकिन हम उसको इसके बाद देखते हैं। आप जो है ना पहले देखोगे कि इसमें ये जो है ना भाई आउटगोइंग एज जीरो वन टू जीरो वन थ्री, इस बात पे सब एग्री करते हैं। Yes, करते हैं, ठीक है। फिर आपने मेंशन करना है कि भाई इसमें इनकमिंग एच कौन कौन से हैं, इसमें जो है ना इनकमिंग एच कौन कौन से हैं, ठीक है। इसमें देखें अगर आप तो स्टेट नंबर टू से एक एच आ रहा है, ठीक है, स्टेट नंबर टू से एक एच आ रहा है, और आप देखें इसका क्या पाथ बन सकता है। इसका पाथ देखें, एक आपके पास आप स्टेट नंबर टू से कहाँ जा सकते हो, वन पे यस वन पे वापस टू पे आ सकते हो, यानी टू वन टू हो सकता है, यस सर हो सकता है। मतलब कोई भी डायग्राम बनाते हुए, कोई भी स्टेट इलिमिनेट करते हुए, जो मैं आपसे कह रहा हूँ ना अभी एक्सप्लेनेशन लिखना, तो मैं आपसे सिर्फ ये मांग रहा हूँ कि आप बताओ कि भाई इसमें इनकमिंग एज कौन सा, इसमें आउटगोइंग एज कौन सा है, ठीक है। क्या ख्याल है और भी इसमें जो है ना टू वन टू के अलावा कोई और पाथ मौजूद है टू से आते हुए वन की तरफ? आप थ्री पे चले जाते हो, क्या टू वन थ्री को हम ठीक कह सकते हैं? टू वन थ्री कह सकते हैं, टू वन टू भी कह सकते हैं। तो ये बिल्कुल हमारे पास जो है ना इनकमिंग एजेस, ये ऊपर वाले हमारे पास आउटगोइंग एजेस। ये आप मेंशन करने से आपका जो है ना आधा सोल्यूशन आपके पास निकल आएगा, ये मेंशन करने से आधा सोल्यूशन आपका निकल आएगा। देखें सिंपल काम करते हैं, पहले जीरो वन टू, देखो आपको पता ही है कि आप हटाने जा रहे हो वन। अब देखिएगा आप ना जब इस तरह पांच लिख लोगे तो कितनी आसानी होगी। अब आपको ना जीरो वन टू वाला काम करना है, वन को बीच में से हटाना है, तो दैट मीन जीरो को टू से कनेक्ट करना है। जीरो थ्री की बात करें तो वन को आपने हटाना है तो जीरो से थ्री को कनेक्ट करना है। पहले इतनी सी बात कर लेते हैं, जीरो से टू, जीरो से टू, ये जीरो और डायरेक्ट यहां से टू। क्या ख्याल है क्या जनरेट करके हम जीरो से टू पे जा सकते हैं? A प्लस बी होल स्टार एक बी डबल ए,
ए प्लस बी होल स्टेरिक डबल, उसके बाद बी डबल ए, बिल्कुल ऐसा ही है जीरो से टू के लिए। मैं दिखा भी देता हूँ जीरो से टू के लिए, ये हमारे पास, मैं इसका ये दिखा दूंगा आप लोगों को दोबारा, ठीक है। अभी जैसे इन्होंने पाथ पाथ की बात की तो जीरो से टू पे हम ये जनरेट करके आ जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। वापस आते हैं जीरो से थ्री के लिए करते हैं। जीरो से थ्री के लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले जीरो से वन A प्लस बी होल स्टेरिक, उसके बाद A, A प्लस बी होल स्टेरिक बी डबल ए, ये भी हो सकता है। एक मिनट दोबारा जीरो से थ्री पे जाना, ठीक है। जीरो वन थ्री A प्लस बी होल स्टेरिक, इसके बाद क्या बताया आपने, बस ठीक है स्टेरिक से भी आ सकता है क्योंकि देखिए ना नल है 013 नल, हां ए प्लस बी होल स्टेरिक ही आ सकता है बस, मतलब फिर ये आएगा, इसके आगे कुछ नहीं आएगा, ये चीज जरा देखनी है क्योंकि मजे देखें यही आएगा। थ्री पे मजीद कुछ जनरेट नहीं हो सकता, फिर थ्री कनेक्ट हो गया, मैं आपको दिखा भी देता हूँ जीरो से थ्री कनेक्ट हो गया। ये करिए दो बातें आपने कर ली। अब करते हैं अगली बात के भाई, वन तो खत्म होने जा रहा है तो टू वन टू का क्या होगा। वन तो खत्म होने जा रहा है तो देखें वन खत्म हो रहा है तो इससे एज आ कहां से रहा है, इसमें एज आ कहां से रहा है, तो स्टेट नंबर टू से आ रहा है, वही जो हमने पिछले क्वेश्चन में फोर के साथ किया था। देखें अब वन में जो है ना एज आ रहा है और वन को आप इलिमिनेट करने जा रहे हो, तो इसमें जो एज आ रहा है इनकमिंग एज है वो कहां से, और वापस देखें आप टू से निकल के वन में जाके वापस टू में आ सकते हो, तो हम लोग इनडायरेक्ट लूप था यहाँ पे, तो एक लूप जनरेट कर सकते हैं यहाँ पे स्टेट नंबर टू पे, वही बात जो ऊपर वाले क्वेश्चंस में करके आए हैं कि जिस स्टेट को हटा रहे हो उसमें कोई अगर इनकमिंग एज है, उसमें अगर कोई इनकमिंग एज है, ठीक है, और जो है ना ये देखें और वो वापस उसके उसी पे वापस जाने के लिए पांच डायरेक्ट एच कहते हैं, तो ये बेसिकली एक डायरेक्ट जो है ना लूप। देखें टू के लिए क्या डिफाइन होगा, टू से वापस गए वन से बिसाइड टू पे, तो क्या कह सकते हैं अगर हम 1 से 2 पर जाएं तो, अगर हम देखें 2 से देखें स्टेट नंबर 1 हट रहा है, इसको तो कट किया जा रहा है, यस, और आपने सर एक एज ना 2 1 मतलब 2 1 2 एक पाथ है, तो 2 1 2 के लिए क्या एक्सप्रेशन बना सर, 2 1 2 कैसे हो सकता है, 1 2 1 होगा ना, वन तो खत्म हो रहे हैं। लेकिन अभी खत्म हुआ तो नहीं है ना, नहीं हम तो इलिमिनेट करने जा रहे हैं ना, तो हम इसे सर इसका होगा ए डबल बी प्लस बी होल स्टेरिक और बी डबल ए, एक एक करके बताइएगा, एक एक करके ए डबल बी ए प्लस बी होल स्टेरिक बी डबल ए। अच्छा अंसा आप क्या कह रहे हो, घर मेरा भी यही है ए डबल बी, बिल्कुल ए डबल बी डबल बी ए प्लस बी होल स्टेरिक बी ए ए, ये बिल्कुल तभी हो पाएगा जब आप को बड़ा क्लियर कट पता हो कि आप जिस स्टेट को हटा रहे हो उसमें इनकमिंग एज कौन से आउटगोइंग एज कौन से, तब आप ये बड़े आराम से जनरेट कर पाओगे। आप टू से स्टार्ट हुए टू पर ही आ गए तो जो आप लोगों ने एक्सप्रेशन बताया वो टू के ऊपर लूप लग जाएगा, एक इनडायरेक्ट लूप था तो आपने उसको डायरेक्ट लूप बना दिया, ये आप लोगों के सामने आपका एक्सप्रेशन आ गया। लेकिन अभी एक चीज रहती है, आपने कहा था कि सर टू वन और थ्री, टू वन और थ्री भी एक पॉसिबल पाथ है, तो देखें टू से वन पे गए, टू से वन पे कैसे गए A डबल बी ए डबल
बी होल स्टेरिक ए प्लस बी होल स्टेरिक ठीक है और वन से थ्री पे कैसे गए नल की वजह से अब जरा देखें ये लिखा हुआ यस आप सब लोग तसल्ली से इसको देखने ज़ूम भी कर देता हूँ तसल्ली से इसको देख लें कोई डाउट किसी किस्म का तो पूछ सकते हैं ये टॉपिक मैंने आज तक किसी क्लास में ना इतनी डिटेल से नहीं पढ़ाया लेकिन ये कि चले अच्छा हो गया ठीक है सर नेक्स्ट स्टेप ठीक है बाकी कोई ड्रॉ कर रहे हैं इसे भी कि नहीं सर ड्रॉ कर रही हूँ एक मिनट हाँ जी कर ले सर ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये बिल्कुल प्रैक्टिस से ये चीजें बड़ी आसान हो जाती हैं सर मतलब जैसे हम लोगों को मतलब एक जो ऑटोमेटा या टीजी है ठीक है उसको देख के हमें पता चल जाता है इसका एक्सप्रेशन ये इतना ज़्यादा इसके अभी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है ना अगर हम डायरेक्ट लिख लें वो ज़्यादा इजी नहीं होता डायरेक्ट वाला ठीक हो देखो डायरेक्ट में क्या सारे की सारी सारी की सारी पॉसिबिलिटीज कवर हो रही हैं ये भी तो देखने वाले हैं क्योंकि सारी पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं कवर ना हो रही ठीक है ओके क्या क्या है जीरो टू थ्री एक पॉसिबिलिटी है और हमारे पास जीरो से थ्री तक तो एक मौजूद ही है पहले से तो अगर मैं जीरो टू थ्री करता हूं तो टू बीच में से हटेगा तो जीरो से टू पे कैसे जा रहे थे ये सब जनरेट करके टू पे क्या जनरेट हो रहा था ये सब कुछ तो ये आ गया स्टेरिक के साथ और टू के बाद थ्री पे कैसे जा रहे थे या फिर ये जनरेट करके या फिर ये नल जनरेट करके ये दोनों प्लस के साथ आ जाएंगे ना सेम सोर्स सेम डेस्टिनेशन सेम सोर्स सेम डेस्टिनेशन ये प्लस के साथ आ गए ठीक है और उससे पहले ये स्टैटिक वाला पोर्शन आ गया और उसके पहले ये आ गया जीरो से थ्री तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है अब इसको अगर हम देखें सॉल्यूशन ये पहले प्लस के साथ लिख दिया और उसके अगला सॉल्यूशन दैट्स इट ये और नेक्स्ट स्टेप पे इस सब को प्लस के साथ लिख दो अब देखिएगा देखें इस तरह का एक्सप्रेशन निकालना डायरेक्ट एक स्टेप के अंदर क्या ख्याल है मुश्किल हो सकता है ना यस हो सकता है तो उसके लिए फिर हमें जो है ना अब देखें दोनों में यहां पे भी नल जनरेट हो सकता है और प्लस से पहले वाले में भी पूरा इस सब में भी अच्छा हाँ नहीं इस सब में नल जनरेट नहीं हो सकता इस सब में नल जनरेट नहीं हो सकता है ये ब्रैकेट नहीं इस सब में प्लस से पहले नल जनरेट नहीं हो सकता प्लस के बाद नल जनरेट हो सकता है ये देखिए ना क्योंकि ये बी डबल ए जरूर आ रहा है मतलब बहरहाल इस तरह से हमने जो है ना इसको सॉल्व करना होता है और इसमें क्या है कि हम जो बात देखने वाली कि एक हमारे पास सोर्स यानी कि इनिशियल स्टेट होगी एक हमारे पास फाइनल स्टेट होगी और उसकी बीच की जितनी भी स्टेट्स हैं उसको हमने स्टेप बाय स्टेप जो है ना सॉल्व करना है तो हमारे पास इसका आंसर निकल आता है यहीं पे मैं दोबारा स्क्रीन पे ले आऊँगा मैं एक मिनट इसके बाद एक क्वेश्चन रहता है वो आप लोगों ने खुद ट्राई करना है
तो इंशाअल्लाह ये आपके पास सॉल्व हो जाएगा। ये पांच क्वेश्चंस थे, 1, 2, 3, 4 और ये फिफ्थ। मैंने चार क्वेश्चंस पे बट तफसीलन हमने बात की है, पांचवा क्वेश्चन जो है ना आप लोग खुद ट्राई करेंगे।